नमस्कार, आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव और उसका हार्ट पे इफेक्ट्स के बारे में। तो मानसिक तनाव एक बहुत ही कॉमन चीज है आज के जमाने में। ये कहना बहुत ही आसान है कि स्ट्रेस ना लें, पर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रेस सभी को रहता है। हम जो कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस के रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में हमारा रिएक्शन क्या होगा, वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे हाथ में है। तो स्ट्रेस क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि स्ट्रेस से काफी ज्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है? स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, धड़कन बढ़ती है, धड़कन से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती है, स्ट्रेस से ओवर ईटिंग होती है, वेट गेन होता है, डायबिटीज होता है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम सभी को पता है। स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक्स भी होते हैं। स्ट्रेस से खून की धमनियों में जो प्लैक बोलते हैं, वो प्लैक रप्चर होता है, जिससे कि पेशेंट्स को हार्ट अटैक्स आते हैं। तो स्ट्रेस को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि स्ट्रेस को कैसे रोकें। तो स्ट्रेस को रोक तो पूरी तरह नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करना है? नंबर वन, स्ट्रेस को आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करना है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको कम से कम 30-35 मिनट 40 मिनट चलना है। जिस चीज से उन्हें स्ट्रेस की कमी होती है वो करना है। जैसे कि कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना है, कई लोगों को एक्सरसाइज करना है, कई लोगों को वॉक करना है, कई लोगों को योगा करने में अच्छा लगता है। तो जो भी पसंद हो वो करना है। एक हॉबी को मेंटेन करना है और डेवलप करना है। इससे हर्ट को काफी आराम मिलता है। ये सिर्फ मानसिक की बात नहीं है, ये शारीरिक संतुलन भी मेंटेन करता है। स्ट्रेस लेने कई ऐसी चीजें जो स्ट्रेस को बढ़ावा देती हैं। कई लोगों को एक्सेसिव चाय पीते हैं, एक्सेसिव टेलीविजन देखते हैं, या कंप्यूटर पे काफी काम होता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि सिटिंग आवर्स को कंट्रोल करना है। या कई लोग कंटिन्यूसली 8 घंटे 10 घंटे बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में 1-2 मिनट का वॉक में करें, ब्रेक लें, जैसे जिस तरह से भी पसंद हो उस तरह से स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इससे हार्ट पे काफी आराम मिलेगा और हार्ट की बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। धन्यवाद।